अस्सलाम वालेकुम अभी भी 5 लाख डाउन पेमेंट एंड 1% मंथली ईएमआई में खुद का घर, वो भी एमएम वैली में। एमएम वैली मतलब मुमरा का नया लोखंड वाला। इधर आपको ग्राउंड प्लस 7 का विंग मिलेगा, जिसके नजदीक आपको स्टेडियम मिलेगा, आपको कॉलेज मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा और बहुत सारी एमिनिटीज वॉकिंग डिस्टेंस से मिलेगी। यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 1% मंथली ईएमआई में टीएमसी में रेरा अप्रूव में खुद का घर मिलेगा। हमारा पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है, प्लीज इसका बेनिफिट उठाइए। एक मराठा मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र अवहाट का मराठा समाज ने विरोध किया। जितेंद्र अवहाट को स्टेज से नीचे उतरने पर मजबूर भी कर दिया गया। आपको बता दें कि पूरे महाराष्ट्र में मराठा समाज की तरफ से सांसद विधायकों के कार्यक्रम पर बहिष्कार मराठा समाज की तरफ से किया जा रहा है। मराठाओं के आरक्षण के लिए मराठा समाज की तरफ से जगह जगह पर मंत्री, सांसद और विधायकों का जो गाड़ियों का काफिला जा रहा है उसे रोका जा रहा है, या फिर उनके काफिले को काले झंडे दिखाकर एक मराठा लाख मराठा की घोषणाबाजी भी की जा रही है। इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय प्रवक्ता व कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र अवहाट मराठा समाज की तरफ से चल रहे अमरण उपोषण को समर्थन देने के लिए ठाणे के रेस्ट हाउस पर पहुँचे थे। इसी दौरान मराठा कार्यकर्ताओं ने जितेंद्र अवहाट को पहले तो एक मराठा लाख मराठा की घोषणा 3 बार देने को कहा। इसके बाद जब जितेंद्र अवहाट स्टेज पर चढ़े तो कुछ मराठा कार्यकर्ताओं ने जितेंद्र अवहाट को स्टेज से नीचे उतरने को कहा और कहा कि यह स्टेज मंत्री, सांसद, विधायकों के लिए नहीं है, बल्कि यह सिर्फ मराठा समाज के सामान्य कार्यकर्ताओं के लिए स्टेज है। लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने उस कार्यकर्ता को समझाने की कोशिश की और स्टेज पर बैठे कुछ मराठा कार्यकर्ताओं ने अपने अति उत्साह कार्यकर्ताओं को समझा बुझा के वहाँ से रवाना कर दिया। फक्त प्रेस साईट लागेल, आम्ही साहेबांना पण तीच दोन मराठे बसले, 3 दिवस झाले आज इथे उपोषणाला आहे, आमरण उपोषणाला आहे, साखी पण नाहीये। हा मग तुम्ही मागून कव्हर करा, हात नका बोलू नका, इकडे वेगळे विषय होत चालले, आमचं समाजाचं आरक्षण आहे। Hey, Jenny, come on.
एक मराठा प्रेस देना तुम्ही बंगावर जा इथे नाही प्रेस करणार साहेब इथे साहेब बोलणार नाहीयेत साहेब इथे कोणाशी स्थान असेल तर राष्ट्र मैदान या बस आम्ही सोबत आहेत तुमच्या साल्यानो फक्त आता येतं का जास्त वाटायला लागलं की आता जातं सगळं मराठा आंदोलन पेटलंय मग कुणाला ते मध्यस्थी घालताय आणि येऊन बसता का इथे तुमची मनापासून इच्छा आहे का आरक्षण देण्याची नाही बिलकुल नाही आरक्षण द्यायची तिथं सगळं काय चाललेलं आपण अकरा आपल्या हक्कासाठी लढायचं आहे म्हणणं नाही करायचे.